हमीरपुर नगर परिषद की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर परिषद में दो सालों से विकास कार्य न होना गंभीर मुद्दा बना रहा। बैठक में नगर परिषद में बजट होने के बावजूद भी काम नहीं होने पर विचार किया गया। साथ ही नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप बजाज ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि चाहे सरकार कोई भी हो, हमीरपुर नगर परिषद अपने खर्चे से ही काम चलाती आई है। बैठक में अध्यक्ष सुलोचना देवी, ईओ विनोद कुमार भी मौजूद रहे। नगर परिषद हमीरपुर उपाध्यक्ष दीप बजाज ने बताया कि दो सालों से नगर परिषद के कामकाज अटके पड़े हैं, क्योंकि परिषद के नुमाइंदे नहीं चाहते हैं कि कोई काम हो सके। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारें चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, इसमें नगर परिषद को कोई फायदा नहीं होता है और नगर परिषद अपने ही खर्चे पर गुजारा करती आई है। मैं बड़े लंबे समय से जानता हूं, कोई सरकार आए पहले नगर परिषद कभी नहीं दिया। नगर परिषद सिर्फ अपनी इनकम पे चलती है, हमें जो इनकम होती है इस पे चलती है, पैसा वो हमें नहीं मिलता है, सिर्फ पे सरकार देती है, जो एम्प्लॉय की पे है इस सरकार से आती है, बाकी सरकार चाहे कोई आई हमें कभी सरकार ने पैसा नहीं दिया है। तो और पैसा का कोई जो इस्तेमाल हुआ वो जाहिर इस्तेमाल हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं, जहां भी लगा पैसे का कोई सिस्टम खराब नहीं, पैसा जहां लगा वो ठीक लगा, लेकिन पैसे की कमी हमारे पास नहीं है। हमारा मतलब वो काम नहीं हो पाया, वो काम होना चाहिए, पैसा हमारे पास है, पैसा थोड़ा खर्चा है, जायज खर्चा उसकी, पैसा कोई नजायज खर्चा कुछ नहीं हुआ, पैसे का जायज खर्चा हुआ लेकिन काम नहीं हुए, लेट हो गए, ये वजह है कि पैसे की वजह की। गौरतलब है कि बैठक में सफाई की नई टेंडर प्रक्रिया होने तक वर्तमान में सफाई का कार्यभार संभाल रहे ठेकेदारों को एक्सटेंशन दी गई है। इसके अलावा हथली के पास कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में सीवरेज पाइप को तोड़ने पर नोटिस निकाला जाएगा। बैठक में कूड़ा उठाने के लिए एक छोटा वाहन व नोट गिनती की मशीन खरीदने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके अलावा हथली में हिमुंडा द्वारा बनाए गए फ्लैट्स को जल्द नगर परिषद को सौंपने के लिए भी कहा गया है। बैठक में वार्ड नंबर 11 में नई लाइट्स लगाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही वार्ड नंबर 6 में एक मकान के कार्य को पूरा करने के लिए एक साल की एक्सटेंशन दी गई है। वहीं डीसी चौक के समीप एक दुकानदार को लोक मित्र केंद्र खोलने की एनओसी भी दी गई। बैठक में सुझाव दिया गया कि शहर में पानी व सड़कों की उभरती समस्याओं से निजात पाने के लिए हर माह की बैठक में आईपीएच और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाए। इसके अलावा पार्कों के सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए हर पार्क में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। बार्डो में बिजली की बढ़ती समस्या को लेकर नगर परिषद विद्युत बोर्ड से मिलकर समाधान निकालेगा, ये फैसले नगर परिषद की सम्पन्न बैठक में किए गए।